जी गाइस, हम पहुंच गए ट्रूरो। उसका सबूत है मेरे पीछे, ट्रूरो कैथीड्रल। और अब चलते हैं, देखते हैं ट्रूरो में है क्या। ये कैपिटल सिटी है कॉर्नवॉल का। मैं और मेरी हमारी तीनों फैमिलीज जो हैं वो रेडी हैं अब इसको एक्सप्लोर करने के लिए। सो लेट्स गो एंड डू इट। जो कुछ भी देखेंगे आपको भी दिखाएंगे। लेट्स डू द सैर सपाटा। पार्किंग के एरिया को एक्सेस करने के बाद ही जो पहली चीज़ मेन आपके सामने आती है वो है ट्रूरो कैथीड्रल। हम वहाँ पे पहुँचे और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मंजर था। मुझे पहले लगा कि बंद है, लेकिन जब हम अंदर गए तो वो खुली हुई थी। थोड़ा सा काम वाम भी वहाँ कोई चल रहा था जो कि नॉर्मल है। काफ़ी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं तो इन पे कुछ ना कुछ रेस्टोरेशन वर्क चलता रहता है हर वक्त। बट एब्सोल्युटली अमेजिंग, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी ह्यूज कैथीड्रल थी। इसकी एक एक वॉल, इसकी जो जितने भी पिलर्स थे दे वर सो टॉल। इसकी जो पेंटेड स्टेन जो विंडोज़ हैं, ये इसकी कंस्ट्रक्शन से ले के और अपोस्टल्स ऑफ जीसस की स्टोरीज़ इसके ऊपर डिपिक हुई हुई हैं, बनी हुई हैं। और एक तो विंडोज़ बहुत सारी हैं तो इसका मतलब है कि स्टोरीज़ बहुत सारी हैं। इसका ऑल्टर वॉज सो ह्यूज और जो इसके पीछे ऑर्गन लगा हुआ था That was a massive one as well. ये 1880 के अंदर बनी थी और तब से ही अभी तक इसी तरह से tall and handsome खड़ी है। ये जो मॉडल है ये जीसस की लाइफ के बारे में इन्होंने थोड़ा सा जो है बना के और इसको यहाँ लोगों के लिए डिस्प्ले पे लगाया है। और जब हम वहाँ गए तो बहुत ही वेलकमिंग था। उन्होंने हमें बताया कि शाम को ये 365 डेज खुली रहती है। शाम 5 बजे तक नॉर्मल सर्विस होती है, उसके बाद फिर स्कूल और स्कूल के बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आके अपना कोया की प्रैक्टिस करते हैं। तो जब हम बाहर भी मैंने देखा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे जो बाद में अंदर आके यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। ये भाई हमें मिले और बहुत ही फ्रेंडली थे। इन्होंने क्रिश्चियनिटी और हमसे पूछा कि हम किस फेथ से हैं, तो हमने बताया मुस्लिम्स हैं। तो इन्होंने फिर हमें उसकी सिमिलैरिटीज़ बताना शुरू की और इट वॉज जस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग। वो सो वेलकमिंग और सो वार्म, इतना ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट था, एक वेलकमिंग सा हमें जो है वो लगा यहाँ पर ओवरऑल। फिर हम जब वहाँ से निकले हैं तो फिर हमने जो है वो टाउन को देखना शुरू किया है। द मोस्ट स्पेशल पार्ट ऑफ दिस टाउन वाज के यहाँ पे रोडें जो हैं वो सारी ब्रिक्स हैं, जैसे नॉर्मली आपको यूरोप में और पेरिस वगैरह में मिलती हैं। बिल्डिंग्स जो हैं वो आपको इनकी कल्चर और इनकी हिस्ट्री बताते हैं। वही ओल्ड बिल्डिंग्स, वही उनका एक टच है जो नॉर्मली आपको एक हिस्टोरिक किसी विलेज में, एक टाउन में, सिटी में नज़र आएगा। तो ऑल इन ऑल बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी थी, बहुत ही कोजी इन्वायरमेंट था, ना ज़्यादा रश था और ना ज़्यादा लोग थे। खाने पीने का हिसाब किताब बहुत ज़्यादा था, आपको कैफ़े वैफे तो वैसे हर जगह मिल जाते हैं और जो दुकानें वगैरह हैं जो जनरली होती हैं बूट्स ये वो फार्मेसी वगैरह वो सब मिल जाती हैं हर जगह। यहाँ पे भी कुछ डिफरेंट नहीं था। या बिल्डिंग्स देखें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन्होंने अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को किस तरह से प्रिजर्व किया हुआ है और कितना ज़्यादा ये लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। ये कहते हैं कि भाई आप कुछ भी बना लो इसके अंदर, बट बिल्डिंग वैसी रहेगी जैसे है। तो हैट्स ऑफ टू देम, बहुत ही ब्यूटीफुल उन्होंने रखा सिटी को। और उसके बाद फिर हम लोग जो है उसी कैथीड्रल के पीछे से निकल के वापस अपने रास्ते पे चल पड़े, क्योंकि बहुत शदीद भूख लगना शुरू हो गई थी हमें। सीन है गाइस, और हम आ गए हैं वॉकर्स फिश एंड चिप्स। यहाँ का ट्राई करते हैं और फिर बताते हैं आपको। तो गाइस ये है वॉकर्स फिश एंड चिप्स, यहाँ पे हम आ गए हैं। और अच्छा एम्बियंस है, मज़ेदार एम्बियंस है, काफ़ी जगह स्पेशियस है और अपेरेंटली इन लोग की जो रेटिंग है वो भी काफ़ी हाई है। £9.95 की एक जो है वो इसका पोर्शन है कॉर्ड एंड चिप्स का। तो लेट्स ट्राई, देखते हैं कैसा है और फिर आपको जो है बताते हैं। के गाइस, हमारी कॉर्ड हमारे सामने चिप्स पे लेट के आ गई और हमें कह रही हो मुझे खा लो, मुझे खा लो, मुझे छोड़ेंगे नहीं। हाँ, इसको देख देख के जाना, मेरा मुंह में इतना पानी आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, पानी पानी कर दूंगा मैं इसको। भूख का आलम ऐसा है कि इस वक्त जो है ना खौफनाक किस्म की बातें मेरे मुँह से निकल रही है। तो चले अब करते हैं इसको इंजॉय और फिर आपको बताते हैं कैसी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चिप्स से ट्राई करेंगे। चिप्स बहुत ज़बरदस्त है।
मुंह में पानी आ रहा होगा आपके ये देख देख के। ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। नाइस है, भूख भी बहुत जबरदस्त लग रही है। आई थिंक सॉल्ट और पेपर ऊपर से डालें केचप और सॉस के साथ। ये फिश जो है ना बहुत ही आला है, बहुत आला है, मज़ेदार, अच्छी बनाई भी अच्छी है, ऑयली नहीं है ज़्यादा, परफेक्ट। अब मैं खा लूँ भाई, मेरी फिश इतनी मज़ेदार थी कि दूसरी मंगवानी पड़ी, तो बहुत मज़ा आ रहा है। गाइस मैंने खा लिया और खा खा के थक गया, दो मछलियाँ खाई हैं। जी गाइस हम लोग चूरो से निकल गए हैं और पार्किंग हमने पे कर दी है और सरप्राइजिंगली 3 घंटे की सिर्फ 1 pound 70 थी पार्किंग जो हम पे करके और अब निकल गए हैं। और ये है कि वापस पेरनपोर्ट की तरफ जाएंगे। रास्ते में अगर फैमिली के हम लोग ज़रा बड़ी फैमिली हैं, 3 families एक साथ हैं, तो उनमें से एक का मूड हो रहा ज़रा कुछ कॉर्निश वॉर्निश आइसक्रीम हो जाए तो फिर हो जाए, और रुक के आइसक्रीम खाएंगे उसके बाद फिर आगे वापस पेरनपोर्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है चले। जी गाइज आई होप आपको हमारा ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं आपसे अगले हफ्ते इसी सीरीज़ की एक और वीडियो में मिलूँगा और तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए सैर सपाटा।